गलत है। ओके शहजाद, सुप्रीम कोर्ट ने केवल ईडी के मामले में नहीं, सीबीआई के मामले में जिसमें कोई पीएमएलए का कानून नहीं है, उसमें पीओसीए का कानून है, उसमें आईपीसी का और सीआरपीसी का कानून है, उसमें भी बेल रिजेक्ट किया है। तो पीएमएलए कानून का बहाना बनाना बंद कीजिए। 14 पार्टियां गई थी ईडी के खिलाफ, कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला। अब बताइए अन्ना की उंगली पकड़ के आने वाले लोग लालू के साथ क्यों बैठे? अरे मैंने लालू करप्ट है कि नहीं? लालू चार बार कन्विक्टेड है, सुनिए, चार बार, 1 2 3 4 कितने बार कन्विक्टेड है? पीडीपी के लालू यादव, लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? ये तो अपनी सत्ता के लिए पीडीपी के साथ सरकार बनाने थे। अब पीडीपी के साथ कौन है? अब पीडीपी के साथ ये है, लालू प्रसाद एक अजीत पवार भ्रष्ट है नहीं बता दीजिए। लालू प्रसाद अजीत पवार अजीत पवार लालू यादव बताइए, बताएं लालू यादव करप्ट है कि नहीं है, ये बताएं अजीत दादा पवार करप्ट है कि नहीं है। ठीक है, हो जाए मुकाबला। पहले कौन बोले? पहले कौन बोले? पहले आप बोले, आप बोले। चलिए, अजीत पवार करप्ट है कि नहीं है? जी, करप्ट। सेकंड कोर्ट डिसाइड करती है कन्विक्शन के बाद। जी, अजीत पवार कन्विक्टेड नहीं है। एक सेकंड, ये क्या तरीका है यार, ये क्या तरीका है भाई? आप बोलिए, आप क्या कह रहा हूं कि कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड सर्टिफाइड करप्ट कौन है? लालू प्रसाद चार बार है, हाँ या ना बोल दी। ठीक है भाई, उन्होंने जवाब दिया, मुझे लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? मुझे पहले से ज्यादा बता दे, लालू चार बार कन्विक्टेड है करूंगा, अब सुनेंगे चार बार कन्विक्टेड है कि नहीं है? चार बार कन्विक्टेड है। अरे चलिए बताइए, लालू के बारे में आपने बोला था कि वो करप्ट है, अब तो चार बार पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी जिनको पूरा देश मानता सजा भी मानते होंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था अजीत पवार सत्ता में घुसाने वाले हैं। बताइए ना, वीडियो सुना दे, सुना दो, सुना दो। अच्छा ठीक है, सीस यही है, सीस वायर बौखलाहट यही है इनकी। दोषी कौन? आप सुनना नहीं चाहते? देखिए बौखलाहट यही है, दोषी कौन? नहीं चाहते? मैं तो पूछ रहा हूं उनसे, देखिए जो मोदी जी ने कहा था वो सस्ता है झूठा बता दे, जो मोदी जी ने कहा था सस्ता है झूठा बता दे। केजरीवाल ने सोनिया को करप्ट बताइए, मानते जो मोदी जी ने कहा था सस्ता झूठा, अजीत पवार को मोदी जी ने 70,000 का घोटाले में बताया था। जी जी जी, बताइए। एक सेकंड, मैं आपको 15 सेकंड दे दूं। अब इन्होंने कहा, चले हेमंत शर्मा बता दीजिए। अरे भाई नहीं है करप्ट, हेमंत शर्मा नहीं है करप्ट, नहीं है करप्ट। क्यों लेके घूमते हैं? अब बोलिए सोने वाले के करप्ट, बताइए। अब बोलिए सोने के मंदिर वोटर्स कैंप घोटाले बाद, क्योंकि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सोने के मंदिर वोटर्स कैंप घोटाले बाद, अब बोलिए सोने का करप्ट, अजीत पवार बताइए भ्रष्ट है भ्रष्ट है। एक सेकंड, अब एक सेकंड, मोदी झूठ बोल रहे हैं, एक एक करके मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, जब तक कोई आदमी मोदी झूठ बोलते, जब तक कोई आदमी ये बोल रहे मोदी झूठ बोलते, अरे यार क्या ये बोल रहे मोदी झूठ बोल रहे, आपके पास आ रही बोली, ये बोल रहे मोदी झूठ बोलते, कोई आदमी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड नहीं होता, अजीत पवार का नाम ही नहीं लिया था, आप देख लीजिए वो वीडियो। पहले बताओ, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर बयानों की बात करें तो सबसे पहले सोनिया करप्ट, लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, एनसीपी करप्ट, शरद पवार करप्ट, ये सारी बातें 2012 में 13 में वाड्रा करप्ट, ये किसने कही थी? अरविंद केजरीवाल ने लिस्ट निकाल के कही थी। अब अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है, उनमें से तो एक चार बार कन्विक्टेड है, क्या कन्विक्टेड व्यक्ति को कम से कम आप करप्ट मानते हैं, हाँ या ना? ठीक है जवाब देखिए, मैंने इनसे इन्होंने सोनिया जी का गिनवा दिया, सबका गिनवा दिया। मैं कह रहा हूं, अरे आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हो, मोदी जी आपके नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनकी बात को झूठ कैसे मान सकते हो? मैं तो बड़े सच्चाई से लेता हूं, उन्होंने मन से खड़े होकर कहा था कि अजीत पवार एनसीपी 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, और 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने बगल में लाके उसको बैठा लिया। लालू यादव नहीं है, ये कैसा भ्रष्टाचार में वार है कि वो नारायण राणे जिसको जो भ्रष्टाचार में था, ईडी उसके घर में गई थी, उसको भाजपा में शामिल करा। लालू यादव तो कांग्रेस के टाइम पे कन्विक्ट हुए, मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कैसे भी जोर तो ओके ओके अपनी पब्लिक पब्लिक भ्रष्टाचार पे पब्लिक जरूर बोलना चाहेगी, ऑडियंस जरूर बोलना चाहेगी। एक एक सवाल जल्दी अपनी राय रखिए, भ्रष्टाचार मुद्दा है हाँ या ना में? बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, लेकिन मेरा जो सवाल ये है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्यों बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि उस भ्रष्टाचार का कहीं पे कोई एंड पॉइंट नहीं, कोई नहीं लगा रहा है। पहले जो मुद्दे होते थे, मुख्य मुद्दे वो होते थे भ्रष्टाचार, पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा होता है वो धर्म का मुद्दा होता है। आज की आपकी ऑडियंस की प्रशंसा करना चाहूंगा, बहुत ही मेजर, बहुत समझदार ऑडियंस, इसके लिए आप ताली बजाओ, और सबने भेद पार्टी का भेदभाव ना करके गंभीर प्रश्न पूछे हैं। दूसरे, अभी हमारी जो परचर्चा शुरू हुई थी वो हुई थी चुनाव से, विधानसभा से, और वो करप्शन पे आ गई। एक जुमला बहुत ताकत लगा के बोला गया कि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर मोदी जी इस जुमले के प्रति समर्पित होते तो आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बेटा आज जेल में होता, जिसके ऑडियो घूम रहे हैं, 10-10 हज़ार करोड़, 15-15 हज़ार करोड़ के ट्रांसफर हैं। दूसरी बात, अमीश जी, OCCRP एक यूरोपियन, क्या पूरे देश के पत्रकारों का समूह है जिसने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि कितने हजार करोड़ का, 20,000 करोड़ का घोटाला कैसे कैसे किया, सबूत दिए हैं, मोदी जी ने जांच तक नहीं बैठाई। तीसरे, अगर मोदी जी ईमानदार होते
तो हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री ना होते, ठीक ठीक ठीक, अजीत पवार ठीक है सरकार में ना होते, ठीक है ठीक है। मैं आऊंगा विवेक, आपके आऊंगा, एक सवाल और, एक सवाल और। जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई, इसको भरोसा, इनको भरोसा नहीं है, मैं इनसे कहता हूं, मैं हां मेरी बात सुनिए ना, इनको कहिए कि एक बार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो प्रोजेक्ट दिया गया वो सही है ठीक है ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट दिया गया अडानी को सही है, नहीं पूछे इनसे एक बार, पंजाब में भी दिया गया, बड़ी खबर बता रहा हूं, कांग्रेस ने राजस्थान में एक पोस्टर रिलीज कराया है जिसमें ना मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, ना गुज्जर नेता सचिन पायलट की तस्वीर है, इसको लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि एक दलित कांग्रेस के चीफ को हटा दिया गया है और एक बड़े गुज्जर नेता को हटा दिया गया है, बीजेपी उसको विषय बना रही है, यह एक बड़ा विषय है। मैं इसके ऊपर आपकी राय लेना चाहता हूं, भाटी जी क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय के ऊपर, क्या आपको लगता है सचिन पायलट को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर होगा? देखिए घूम के, क्योंकि उस पोस्टर में राहुल गांधी है और अशोक गहलोत है, घूम के हम वहीं आगे जहां से शुरू हुए थे, मैंने शुरू में बोला था कि मोदी जी की बौखलाहट देख के पता चलता है कि चुनाव हार रहे हैं। एक दिन पहले तो क्या खड़गे को गाली दे रहे थे, खड़गे मेरे बाप को पकड़ लिया, खड़गे ने मेरे बाप पे चले गए खड़गे, और अगले दिन खड़गे के प्रति सहानुभूति होगी, खड़गे की फोटो क्यों नहीं है कांग्रेस के वो पोस्टर में? अब कांग्रेस बीजेपी किसकी फोटो लगाती है इसको हमसे हमें क्या लेना देना, और कांग्रेस किसके लगाती है इसका मोदी जी से क्या लेना देना? जवाब जवाब, उन्हें अपना काम करना था। शहजाद शहजाद, आप तो राजस्थान में रह के आए कि आप ये क्यों, वो ये विषय क्यों है? कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, वो नहीं समझते कि सचिन पायलट और खड़गे साहब को निकाल के दिखा के वोट मिलेंगे, राहुल और अशोक गहलोत का चेहरा चमकेगा। राहुल गांधी मात्र एक सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उनकी अभी अधिकृत कोई पोजीशन कांग्रेस पार्टी में नहीं है, उनका आप भी इतना बड़ा, राहुल गांधी कौन है कांग्रेस के लिए? तो मतलब पारिवारिक पार्टी है ना, मतलब पार्टी नहीं है, परिवार का दल है, परिवार की कंपनी है, मान ले मतलब कि मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के हैं, रिमोट कंट्रोल्ड है, वो कोई अध्यक्ष नहीं है, वो नॉमिनल हेड है, जैसे कि मनमोहन सिंह थे, उनको भी कोई पावर नहीं थी, असली चलाने वाली सोनिया गांधी थी। परंतु मेरा सवाल ये है कि देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा दलितों के साथ उत्पीड़न करौली में दलित बच्ची के साथ, एससी आयोग के अध्यक्ष ने करौली खिलाड़ी लाल बैरवा ने इस्तीफा दे दिया, वहां पर जिस प्रकार से गुजर समाज का अपमान किया गया, सचिन पायलट का अपमान किया गया, राजेश पायलट से लेकर पूरे दलित समाज का अपमान किया गया, उसकी लंबी श्रृंखला में आज लाल डायरी है, ये बीजेपी की लाल डायरी है, ये बीजेपी की लाल डायरी नहीं, ये राजेंद्र गुड़ा और वो भी बीएसपी से जुड़े हुए थे, नहीं मेरे पास नहीं है, ये तो सांकेतिक है, असली डायरी, असली डायरी और उसके कारनामे अशोक गहलोत के पास ही होंगे, और उस डायरी में लिखा है कि पिताजी की सरकार की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता, बेटा भी लेने को तैयार नहीं। कांग्रेस का सेल्फ गोल है? देखिए कोई सेल्फ गोल नहीं है, ये जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रही है भाजपा, और इनको लग रहा है, इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुजर वर्सेस जाट करें। अब आप सुनिए, मैं उसका उत्तर भी एक दे देता हूं, जो करप्शन वाली बात आई थी, आईएनडीए का जो अलायंस है बड़ा मजबूत अलायंस है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि साहब लालू के आप साथ या नहीं थे, लेकिन इसलिए कमलनाथ ने कहा, बिल्कुल सुनिए, 2024 में, 2024 में ये जरूरी है, हम मंदिर के खिलाफ नहीं, मस्जिद के खिलाफ नहीं, रिनोवेशन के खिलाफ नहीं, सुन लीजिए, लेकिन 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 उसका जो राजनीतिक प्रयोग है उसके खिलाफ है। और शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए। फिलहाल ये देश है हमारा, क्या आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं, उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, जनता जनार्दन आपका बहुत बहुत अभिनंदन, फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, नमस्कार।